हे गाइस, तो वेलकम जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम है अजय ठाकुर। तो अभी जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी ना सुबह के कुछ 9:30 बज रहे हैं। तो ये है कुछ आज का नजारा, देखिए सामने एकदम धुआं ही धुआं, जो कि आपको डेली दिखता होगा। तो चलिए जी, अभी ना कुछ खा लेते हैं और उसके बाद चलेंगे खेत को काम करने के लिए। अभी ना मैं यहाँ पे आया था धूप सेकने के लिए। धूप तो आज काफी अच्छी निकली हुई है और मौसम भी एकदम क्लियर है। वेदर ना आज से दिखा रहा है कि भाई मौसम खराब है, लेकिन जिस तरह से मौसम को देखें ना, मौसम एकदम क्लियर है भाई, है ना। कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि बारिश भी आएगी। सुबह तो देखते हैं शाम तक, अगर बारिश आती है तो बढ़िया बात होगी, है ना, हमारे लिए और यहाँ के सभी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। बारिश आएगी नहीं तो पानी लगाना पड़ेगा खेत में, भाई ऐसी वाली सिचुएशन आ चुकी है अभी। ये कुछ चाय मैं गर्म करूँगा, तो आजकल दूध तो है नहीं, ब्लैक टी ही पीनी पड़ती है। तो चलिए चाय को गर्म करते हैं, इसके साथ खाएंगे एक भटूरू। तो बाहर ना काफी ज्यादा ठंड है, तो तंदूर से आग सेकेंगे। अभी तक ना आग जली हुई है, बाहर ना धूप आ चुकी है, लेकिन थोड़ी देर आग सेकते हैं यहाँ पे और चाय के साथ थोड़ी रोटी खा लेते हैं और फिर ना अभी चलेंगे खेत को काम करने के लिए। आज ना जो कटिंग करी हुई थी ना पेड़ों की, तो उनकी वो टहनियाँ, मतलब कि जो कांटे कुंटे होते हैं, उनको उठाना है और उनको जलाना है, हमें ख़त्म करना है उनको, मतलब कि। तो चलिए जी, अभी ना मैं निकल चुका हूँ खेत को, साथ में ना कुछ ये ले जा रहा हूँ मैं हथियार कांटे को इकट्ठा करने के लिए। तो आज ना हम यहाँ से नहीं चढ़ेंगे, आज हम जाएंगे रास्ते से सीधा। ये देखिए जो ये सामने वाला रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। देखिए तो वो देखिए, मम्मी ना ऊपर खेत में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे भी जाना होगा। तो चलिए आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं। सुगेश, तो देखिए जो मेरे घर के पीछे का खेत है ना, वो ना कुछ इस कदर का दिखता है। देखिए मतलब कि खेत तो नहीं बोल सकते, एकदम पहाड़, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी पहाड़ है ये, तो हम इसको बोलते हैं ढेक, जो कि ऐसा ढलानदार होता है ना, इसको बोलते हैं हम ढेक। तो यहाँ पे भी हमने अनार के पेड़ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे ना कुछ भाई ये देखिए पेस्ट लगा रहा है वहाँ पे, तो हम ना इन पेड़ों पे नीचे तने में लगा रहे हैं पेस्ट, जो कि इन सारे पेड़ों में लगेगा अभी, ताकि बीमारियाँ ना फैले, है ना, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। और मेरा काम है जो इन पेड़ों से जो कटिंग की हुई है और एक्स्ट्रा जो टहनियाँ निकली है ना, जो कांटे कुंटे हैं, उनको इकट्ठा करके जलाना है। तो ये मैंने कुछ अपने साथ लाया है हथियार, तो इससे कुछ हम करेंगे काम। मैं ना सोच रहा हूँ कि अगर ना यहाँ पे बारिश आ जाती है, तो ये आपको सामने जो आपको नज़ारा दिख रहा है ना, तो उसके बाद ना ये नज़ारा आपको दिखाना बनेगा। तो अभी तो क्या ही दिखाए, देखिए सामने एकदम धुआं ही धुआं है ना। तो लोग ना ये बोलते होंगे कि ये धुआं नहीं, धुंध है, लेकिन नहीं, ये ना पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कम वाला पॉल्यूशन नहीं, बहुत तगड़े वाला पॉल्यूशन। सुगे, तो ऐसा पॉल्यूशन ना मैंने ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पे देखा है, बाकी तो होता रहता है, लेकिन यहाँ पे अपने जो गांव से जो दिखता है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा पॉल्यूशन। ये ना पहली बस आ चुकी है हमारी, जो सुबह ना ऊपर को जाती है लास्ट एंड तक। यहाँ पे ना मैंने थोड़े से ये कांटे इकट्ठा करके लाए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ इनको थोड़े थोड़े करके जलाएंगे। एक साथ में सारे जलाऊंगा ना, तो यहाँ से आग भी लग सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी ना इससे आगे बहुत सारे कांटे हैं, क्योंकि मम्मी ना वहाँ सामने इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको पहले जलाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके इन सभी को जलाएंगे ना। चलिए जी, यहाँ वाला मैंने जला दिया है। तो अभी ना यहाँ होके थोड़ा थोड़ा इनको इकट्ठा करेंगे, उनको जलाएंगे। तो आजकल ना एकदम ध्यान से आग लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं लगाएंगे तो देर नहीं लगेगी पहाड़ों में आग लगने से, है ना। तो इसी तरह से ना पहाड़ों में आग लगती है, देखिए ना लोग ऐसे हल्के से लगाते हैं और उसके बाद संभली नहीं जाती है।
सुगे तो चली जी, थोड़े बहुत कांटे मैंने जला दिए हैं, तो अभी ना बहुत से कांटे यहाँ पे रह चुके हैं जलाने के लिए। अभी ना यहाँ से लेके ऊपर वाला खेत भी छोटे छोटे पेड़ इनसे भी थोड़े थोड़े निकले हुए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत से कांटे हैं, इनको इकट्ठा करके ना तो कहीं नीचे जलाएंगे। और सामने देखिए ये रहा कुछ अपना घर, ये मेरे घर से ना एकदम सुंदर नजारा सामने दिखाई देता है, लेकिन भाई ये जो धुआं है ना इसने सारा मतलब ये गंद मचाया हुआ है, तो व्यू ना एकदम भी देखने को नहीं है सामने देखिए एकदम। तो कांटे को उठाते उठाते ना हालत खराब हो चुकी है, ये कुछ ढेर मैंने यहाँ पे लगा दिया कांटों की, तो इनको जलाते हैं अभी, थोड़ा इकट्ठा करते हैं इनको, यार ये बहुत सारे हो गए, कहीं आग जल गई ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा जलना आग का। और देखिए यहाँ से ऊपर को ना आग जलेगी, और उस ऊपर घर भी है, और सामने आपको दिख रहा होगा ना यहाँ होके एक दिन आग जलाई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा केयर से है ना। फिलहाल तो मैंने आग ना बड़ी मुश्किल से जलाई है ना, बड़ा मुश्किल है भाई हरे में आग लगाना है ना। तो चलिए जी, अभी तक ना मैंने सारे कांटे इकट्ठा कर लिए हैं जो कि यहाँ पे थे, सारी ढेर ना यहाँ पे लग चुकी है, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा करके रास्ते में निकालेंगे, नीचे जलाएंगे एक साइड। फिलहाल अभी निकलते हैं घर को, और घर में थोड़ा सा काम है, चावल चुबल लगाएंगे है ना, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो चलिए चलते हैं घर को। ये ना कुछ हमने इतने कांटे यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं, और इतने ही हमने ऊपर ना सुबह जलाए भी थे आपके सामने, तो कल इसको यहाँ पे जलाएंगे, कल सुबह देखते हैं। तो अभी ना कुछ ब्लॉगिंग करने का कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई पहला ना मैं वाइड एंगल कैमरे से ब्लॉगिंग करता था, उस वाले कैमरे को पता नहीं इस फोन में क्या हो गया है, मतलब कि पीछे ना कुछ लगता है कचरा फंस चुका है इसमें, तो उतना क्लियर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए ब्लॉगिंग करने का मजा नहीं आ रहा है। अभी ना मैं इसके मेन कैमरे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इससे ना क्या होता है कि नजदीक लगता है कि एकदम कैमरे के अंदर घुसे पड़े हैं, वैसा कुछ लगता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं, नया फोन लेते हैं तो उसमें कुछ होगा, फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है नया फोन लेने का, क्योंकि पैसा नहीं है भाई साहब। तो अभी ना शाम का टाइम हो चुका है, और शाम के 4:30 बज रहे हैं, और अभी का मौसम कुछ लग रहा है मेरे को ना कि बारिश आ सकती है, और सुबह ना मैंने वेदर में भी देखा था कि भाई आज शाम से बारिश है, यहाँ पे तो बारिश होगी ना, लेकिन जो हाइट में है ना वहाँ पे बर्फ होगी। और तो अभी का वेदर ना कुछ ये है, देखिए एकदम आसमान एकदम पैक हो चुका है सारे में।